तेजस्वी जी का आईक्यू लेवल कितना कम है यह पता लगता है उनके घोषणा पत्र जिसका कि नाम उन्होंने दिया है परिवर्तन पत्र। साहब 20-25 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां देने की। ये उनका परिवर्तन पत्र झूठ का पुलिंदा है, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी शंखनाद होने के बाद सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच पेश करिए। कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई 20 लाख नौकरियां, और बिहार की राजनीति में नौकरियों का अंबार लग रहा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने और RJD की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। और नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत लाइव। ये मेरा कहना नहीं, ये तेजस्वी यादव का कहना है कि हम इस साल जब जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, जिस पर तरह तरह के बयानबाजी हो रही है और सरगर्मी लगातार बिहार की सियासत में बढ़ते हुए नजर आ रही है। कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया था उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, अब तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो पर चर्चा हो रही है। इसमें अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आ चुका है और क्या कुछ कह रहे हैं। नीरज कुमार, आप पहले इस वीडियो पे नजर डालिए। तेजस्वी जी का IQ लेवल कितना कम है यह पता लगता है उनके घोषणा पत्र जिसका कि नाम उन्होंने दिया है परिवर्तन पत्र। साहब 20-25 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां देने की। ये उनका परिवर्तन पत्र झूठ का पुलिंदा है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, हमेशा से ये करते रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई कि परिवर्तन तो होना कुछ नहीं है, खाली नाम उन्होंने रख लिया अपने मन को संतुष्टि देने के लिए परिवर्तन पत्र। इस देश की 40 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है, मोदी की गारंटी पर, मोदी की जुबान पर इनको भरोसा है, आपके झूठ के पुलिंदा पर बिल्कुल भी नहीं। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि राजद वालों का IQ टेस्ट देखिए, कितने महान लोग हैं, 24-25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि मोदी जी और मोदी लहर और मोदी मैजिक इस बार फिर से चलेगा और इस बार लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे। तो देखिए, मोदी की गारंटी कितनी कारगर है तो ये तो आपने पिछले 10 सालों में बिहार में देख लिया होगा, क्या कुछ वादे किए गए थे और कितने वादे निभाए गए थे, और जिसमें तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा था कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और लगातार ऐसे ही तंज के गाने जो है बिहार की सियासत में बने हुए हैं। अब देखना होगा अब क्या कुछ आगे होगा, और 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, अब ये 1 करोड़ नौकरी कब मिलती है और किसकी सरकार बनती है तो वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।